तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के आसपास जो रैत का राजा निर्माण किया, जो लोक राजा निर्माण किया, वे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को खोज कर निकालने का काम करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन को अपने कांधे पर ढोने वाले लोक राजा राजा श्री छत्रपति शाहू जी महाराज और लोक राजा छत्रपति शाहू जी महाराज का सपना पूरा करने वाले हमारे तुम्हारे बाप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन तमाम महामानवों का 108 महापुरुषों के आंदोलन को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने वाले माननीय कांचीराम साहब, इन तमाम महापुरुषों को महामानवों को नमन करते हुए आज के इस आपके धारापुरी गांव में जो दीक्षा बुद्ध विहार का लोकार्पण समारोह आपने रखा, इस अवसर पर मुझे चंद बातें कहने का मौका मिल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण ये बात है जिनके भाषण सुनकर हमारा बचपन गया है, वे किशोर इंजीनियर साहब, वे भी आज उनके समक्ष हमें बोलने का मौका मिला है। इसके लिए तमाम आयोजकों का हम धन्यवाद अदा करते हैं और आज के इस विषय को लेकर चलते हैं। हमारे पूर्व हमारे संचालन सूत्र संचालन करने वाले भैया ने बताया कि हम फुले शाह बाबा साहब का काम करते हैं और उनकी विचारधारा को गांव गांव में पहुंचाने का काम करते हैं और उसी के चलते, उसी सफर के चलते आज हम आपके सामने आए हैं। साथियों, हम जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब भी हम कोई कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे कार्यक्रम का एक महत्व होता है, एक हमारे कार्यक्रम का नजरिया होता है। उस कार्यक्रम का मध्य भाग अगर कुछ होता है तो वो होता है प्रबोधन, जिसे उद्बोधन भी कहा जाता है। उस उद्बोधन को क्यों रखा जाता है, क्या जरूरत पड़ती है कि हमें जब भी हम फुले शाह बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, जब भी कोई कार्यक्रम रखते हैं वहाँ उद्बोधन जरूर रखते हैं, वहाँ प्रबोधन जरूर रखते हैं। वहाँ पर अन्य वक्ताओं को बुलाकर, अनेक वक्ताओं को दूर दूर से बुलाकर उनका भाषण हम सुनते हैं। वहाँ से भागो भाषण सुनने के क्या हम शौकीन तो नहीं है, भाषण सुनने के हम शौकीन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमें लगता है कि प्रबोधन समाज के अंदर जाना चाहिए, विचार समाज के अंदर जाना चाहिए और इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारे हमारे समाज में कई सालों से होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है, इस कार्यक्रमों में क्या होता है, इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और इतिहास की जानकारी लेकर हमें इतिहास से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा अगर मिले तो उससे एक सोच निर्माण होती है, विचारधारा निर्माण होती है और अगर विचार अगर हमारा मजबूत बन जाए तो एक ताकत निर्माण होती है, एक शक्ति निर्माण होती है और अगर इसी इतिहास से प्रेरणा लेकर, इसी इतिहास से ताकत लेकर, इसी इतिहास से शक्ति मिलकर हम शासक बन सकते हैं, हम शासक बन सकते हैं, क्योंकि शासक की कोई समस्या नहीं होती, शासक की कोई समस्या नहीं होती, जो लोग उत्पन्न होते हैं उनकी कोई समस्या नहीं होती। और बहुजन समाज का पता है, हम कई हजार सालों से शासक नहीं बने, सम्राट अशोका के बाद हमारे लोग शासक नहीं बने हैं और वो शासक बन जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रबोधन का काम, प्रबोधन का काम ये छोटे मोटे कार्यक्रमों से, ये बड़े बड़े भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में होता रहे। और इसीलिए साथियों, ये विचारों का आदान प्रदान, ये परिसंवाद, ये परिचर्चा है, ये हम लोग लेते हैं और जब ये हम लेते हैं इन बातों से हमें प्रेरणा लेने के लिए इतिहास के पन्ने पलटना होता है। क्यों पन्ने पलटना होता है, क्योंकि हमारे तुम्हारे बाप इस देश के सर्वेसर्वा, इस देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, जो समाज इतिहास भूल जाता है वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। इतिहास निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान को अगर आज हम सुधार लेंगे हमारे बच्चों के लिए वो इतिहास बन जाता है और इसीलिए उसे इतिहास को अगर हमको इतिहास को बनाना है, अपने बच्चों के लिए इतिहास निर्माण अगर हम करना चाहते हैं तो हमें इतिहास को पढ़ना होता है, वहां से प्रेरणा लेना होता है। इतिहास हमारे लिए औजार फाटा है, इतिहास हमारे लिए अनुभव है, इतिहास हमारे लिए हथियार है, इतिहास हमारे लिए ताकत निर्माण करती है, हमें हमारे इतिहास से सबक लेना पड़ता है और इसीलिए हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं। चूंकि आज यहाँ पर महात्मा तथागत गौतम बुद्ध
उनकी मूर्ति को अगर हम याद करते हैं तो हमारे समक्ष एक बुद्ध आते हैं जिनका जिनका शांति से संबंध होता है, करुणा से संबंध होता है। वही बुद्ध को अगर आप देखो तो तथागत गौतम बुद्ध से लेकर जो इतिहास शुरू हुआ था वो एक क्रांति का भी इतिहास है, वो एक क्रांति का भी इतिहास है। तथागत गौतम बुद्ध ने जब अपना आंदोलन शुरू किया वो आंदोलन के पीछे की जो पार्श्वभूमि है, जो बैकग्राउंड है वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनी थी, जो जिसे मनु की व्यवस्था कहा जाता है, जिसे वेदों की व्यवस्था कहा जाता है, जिसे ब्राह्मण की व्यवस्था कहा जाता है, उस व्यवस्था से बड़े लोग दुखी थे और इसीलिए और जितना लोग दुखी थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले ज्यादा लोग दुखी थे, ज्यादा लोग तकलीफ में थे और उन ज्यादा लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध को आंदोलन खड़ा करना पड़ा, तथागत गौतम बुद्ध को कारवा चलाना पड़ा और उस आंदोलन को उस कारवा को चलाने के लिए बहुत बड़ा संगठन भी बनाना पड़ा। इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी का नहीं है साथियों, जितना बड़ा संगठन डॉक्टर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में निर्माण किया। सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर तथागत गौतम बुद्ध ने, उन्होंने इतना बड़ा संगठन क्यों बनाया? ऐसी कितनी बड़ी ताकत थी, ऐसे कितना बड़ा जो प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी जिसके ऊपर तथागत गौतम बुद्ध को काम करना पड़ा। तो हम इतिहास के पन्नों में हमको समझ में आता है, इतिहास के पन्नों में हमें यह समझ में आता है ज्यादा संख्या के जो लोग थे इनके साथ भाईचारे का व्यवहार नहीं होता था, ज्यादा संख्या के जो लोग थे उन्हें किसी भी किस्म की आजादी नहीं होती थी, ज्यादा संख्या के जो लोग थे जिसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नाम किसी पापा महात्मा जो महात्मा बुद्ध ने दिया, वो महात्मा बुद्ध वो बता रहे हैं कि ज्यादा संख्या वाले लोग दुखी थे, उन्हें किसी भी प्रकार की आजादी नहीं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार भरपार हो रहे थे, उनके साथ भाईचारा का व्यवहार नहीं हो रहा था, इंसानियत के जैसा सलूक नहीं हो रहा था उनके साथ, उनके साथ उनको कोई भी इंसान जिस तरह सलूक नहीं करता था। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध को समझ में आया कि इस देश के अंदर समता नहीं है, इस देश के अंदर स्वतंत्रता नहीं है, इस देश के अंदर न्याय नहीं है और देश के अंदर भाईचारा नहीं है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपना जो कारवा शुरू किया जिसे हम तथागत गौतम बुद्ध का धम्म कहते हैं, वो कारवा शुरू किया समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा से, क्योंकि देश के अंदर उस व्यवस्था को बर्बाद करना था, उस व्यवस्था को नष्ट करना था जो व्यवस्था समता नहीं देती थी, वो व्यवस्था न्याय नहीं करती थी, वो व्यवस्था आजादी नहीं देती थी, वो व्यवस्था जो भाईचारा एक आदमी को दूसरे आदमी की तरह नहीं समझती थी, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध को आंदोलन छेड़ना पड़ा। वो आंदोलन उन्होंने छेड़ा और उस आंदोलन की जड़ तक गए। उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं दुखी हैं और ये दुख का कारण क्या है, तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था जिसे चादर वाली व्यवस्था भी उनके धर्म ग्रंथों ने जिसे नाम दिया, वो व्यवस्था बहुत खतरनाक है। उस व्यवस्था से इस देश के ज्यादा संख्या वाले लोग बहुजन लोग बड़े दुखी हैं। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने बताया कि हमें समता प्रस्थापित करना होगा, हमें समता प्रस्थापित करना होगा। समता प्रस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सोच दिमाग में डालना पड़ता है। तथागत गौतम बुद्ध अलग अलग प्रकार से बातों ही बातों में अपने विचारों का सामने वाले के विचारों में ट्रांसफर करते थे, अपनी जो सोच है वो सोच आगे वाले के मन में भरते थे, अपनी जो सोच है सामने वाले के दिमाग में भरने का काम तथागत गौतम बुद्ध करते थे। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध ने समता प्रस्थापित करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया, अपने आखिरी उम्र तक वो पैदल चले। न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, पैदल चले। उन्होंने भाईचारा स्थापित करने के लिए जीवन भर काम किया और अपने तमाम प्रशिक्षित भिक्षुओं को जिसे हम कैडराइज लोग कहते हैं, आज की भाषा में कहते हैं
बाहर भेजा, तब जाकर इस देश के अंदर एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। और इस व्यवस्था को लेकर डॉक्टर बाबा साहब क्या लिखते हैं? बाबा साहब लिखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन चला, तथागत गौतम बुद्ध का जो कारवा चला, इससे सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं हुआ। क्या लिख रहे हैं बाबा साहब? लिख रहे हैं, तथागत बुद्ध के आंदोलन से सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं हुआ। धार्मिक बदलाव कैसा होता है? एक धर्म से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना, वहां की जो शिक्षा दीक्षा है, पहले की शिक्षा दीक्षा को भूल जाना, नए शिक्षा दीक्षा को अपनाना, उसके बाद कुछ रीति रिवाज होती है पुरानी, वो तमाम रीति रिवाज को छोड़कर दूसरे धर्म के रीति रिवाज को स्वीकार करना, चाहे वो अगर वैज्ञानिक आधार पर अगर तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है तो वैज्ञानिक आधार पर संस्कारों को स्वीकारना, यह होता है धार्मिक बनना। धर्म का परिवर्तन ही नहीं हुआ, सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं हुआ तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। बाबा साहब लिख रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसके साथ साथ आर्थिक परिवर्तन हुआ और उसके साथ साथ राजनैतिक परिवर्तन हुआ। मतलब तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था? ऑलराउंडर आंदोलन था। ऑलराउंडर आंदोलन था, उन्होंने धार्मिक परिवर्तन के साथ साथ राजनैतिक परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन किया, राजनैतिक उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन किया। और साथ ही ये तमाम परिवर्तनों से क्या हुआ तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के साथ साथ आगे वो लिखते हैं, इनके आंदोलन के कारण, इनके कारवा चलाने के कारण कई शूद्र राजा बने, जिन शूद्रों को चलने फिरने की आजादी नहीं, घूमने की आजादी नहीं, पैसा कमाने की आजादी नहीं, घर बनाने की आजादी नहीं, पढ़ने लिखने की आजादी नहीं, वो शूद्र राजा बने। बाबा साहब लिख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के लिए कि बुद्ध के कारवा से शूद्र राजा भी बनता है, शूद्र हुक्मरान भी बनते हैं। जो दिन शूद्र की बात कर रही हूँ वो एससी ओबीसी जो सदियों से हुक्मरान नहीं बने उनको बाबा साहब कह रहे हैं कि राजा बन सकते हैं। बुद्ध के शासनकाल में ऐसा हुआ है और ऐसा आगे भी हो सकता है, ये प्रेरणा लेने के लिए बाबा साहब लिखते हैं कि आप भी राजा बन सकते हो, बुद्धिज्म को स्वीकार करके भी आप राजा बन सकते हो। तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग से चलकर भी आप राजा बन सकते हो। साथियों, ये राजा बनने के लिए करना क्या पड़ता है, राजा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या रणनीति होती है, ये तमाम बातें डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध से सीखा। क्या कहते हैं? तथागत बुद्ध से सीखा हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को लोकतंत्र दे रहे थे, इस देश को संविधान दे रहे थे, और उन्होंने जब अपने संविधान के प्रीएम्बल में संविधान के पहले पन्ने पे जब लिखा था जो बुद्ध ने पहले बताया, 2000 साल पहले बताया, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, ये जो बुद्ध ने बताया, ये बाबा साहब ने जब इस देश को लोकतंत्र दिया, इस देश को संविधान दिया, उसमें लिखा। तो जब उन्होंने लिखा तो लोगों ने टिकट टिप्पणी चालू कर दिए, बोले बाबा साहब ये 4 तत्व जो लेकर आए वो फ्रेंच से लेकर आए, फिर कोई लिखता है अमेरिका के क्रांति से लेकर आए, बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब फिर कहते हैं ये जो 4 तत्व मैं बता रहा हूँ, जो समाज के अंदर जिन लोगों को आजादी नहीं दी घूमने फिरने की, खाने पीने की, घर बनाने की, पढ़ने लिखने की, अपने जीवन मान को उठाने की, ये आजादी मैं तथागत बुद्ध से सीखा हूँ, मेरे गुरु से मैं सीखा हूँ। फिर बाबा साहब लिखते हैं ये समता, जिस विषमता को इस देश के अंदर चातुर्वर्ण व्यवस्था ने बताया कि सवर्ण और अवर्ण और उसके साथ साथ जो शूद्र है इनमें इंसानियत का बर्ताव नहीं होता, ये एक दूसरे को इंसान नहीं मानते, इस बर्ताव को खत्म करने के लिए, इस इंसानियत के बर्ताव को लाने के लिए और वर्ण व्यवस्था के बर्ताव को खत्म करने के लिए
थी, वही करके या फिर उससे भी बड़ी गलती किसी ऊपर के अपर कास्ट ने कर ली, किसी स्वर्ग ने कर ली, तो उसके सिर्फ चूटी काटी जाती है। चूटी रखते हैं ना, इधर रखते हैं कि नहीं रखते? एंटीना रखते हैं, रखते हैं ना, तो एंटीना काट दिया जाता था, क्योंकि अपने घर की क्या थी, कभी भी आ सकती है, क्योंकि हुक्मरान उनके लोग हैं, हुक्मरान उनके लोग हैं, उनके लोगों ने कितनी भी बड़ी गलती कर दी तो वो क्या करते थे, चूटी काट दिया करते थे। वही गलती अगर किसी निचले जाति के लोगों ने, मतलब कि शूद्र अति शूद्रों ने कर दिया, उसे मौत की सजा मिलती थी। ये न्याय की व्यवस्था थी, न्याय देश के अंदर नहीं था। जब तथागत पुत्र ने सोचा कि यहाँ पर जिसकी जैसी गलती है वैसी सजा नहीं मिलती, यह जाति और वर्ग के आधार पर सजा दी जाती है, इसलिए यहाँ पर न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, तो बाबा साहब कहते हैं मेरे गुरु से मैंने न्याय की व्यवस्था को लिया है, मेरे गुरु से न्याय की स्थापना की कंसेप्ट को मैंने लिया है, ये संकल्प मेरे गुरु तथागत गौतम बुद्ध का है। आगे तथागत, आगे बाबा साहब लिखते हैं, जब उनको कहा आपने भाईचारा कहां से लिया, आपने भाईचारा कौन से देश से लिया, तब तक बाबा साहब कहते हैं भाईचारा मैंने किसी देश से नहीं लिया, ये इसी देश से मैत्री का करुणा का जिन्होंने मैसेज दिया, जिन्होंने संदेश मैत्री करुणा का दिया, उन्होंने भाईचारा की स्थापना की। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वर्ण के लोग तथागत गौतम बुद्ध के पास आते हैं, तथागत गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करते, कोई भिक्षु बनता, कोई दानी बनता और कोई इंसान बनता, और नए समाज का निर्माण तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले किया, सिर्फ भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा के बदौलत, और इसीलिए मैंने ये जो चार तत्व है मैंने अपने गुरु से लिया। साथियों, जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, जिस संविधान की बात हम कर रहे हैं, जिन चार तत्वों की बात हम कर रहे हैं, उसका आकलन हमने वर्तमान में भी करना चाहिए, उसका आकलन हमने वर्तमान में भी करना चाहिए। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के क्रांति से राजा निर्माण हुआ, तथागत गौतम बुद्ध के क्रांति से सामाजिक बदलाव हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, और हमारे लोगों का जीवन मान बढ़ गए, हमारे लोगों के जीवन में सुधार आ गया। तथागत बाबा साहब को लगा तथागत गौतम बुद्ध का विचार बड़ा अच्छा है, इसी विचार से इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज के लोगों के जीवन मान में बदलाव आएगा, और यही सोच को लेकर उन्होंने देश के अंदर एक संविधान दिया। उस संविधान की बात करते हैं जिस संविधान पर यह देश चला करता है, उस संविधान की बात कर रहे हैं जिस संविधान ने देश के अंदर एससी ओबीसी को सहितियों से हजारों सालों से मौका जिनको नहीं मिला, न पढ़ने का मौका मिला, न कुछ नौकरी पानी करने का मौका मिला, न राजा बनने का मौका मिला, उन तमाम मौके को देने का काम बाबा साहब के संविधान करता है। उस संविधान की बात कर रहे हैं साथियों, आज इस संविधान की बदौलत हमारे लोग बाबू चपरासी से लेकर ऊपर के पदों तक गए, और इस बात को लेकर इस देश में प्रतिक्रांति चल रही है कि हमारा लोग जिन जिन निचली जाति से आते थे, बाबा साहब के कारण और बुद्ध के इन क्रांतिकारी विचारों के कारण ये लोग ऊपर जाने लगे हैं, तो इनका इनके पर काटना चाहिए। साथियों, पर काटना चाहिए, ये उनका सोच है, ये उनके विचार है, और हमारा विचार क्या है, तो हमें लगता है हमने स्लो स्लो काम करना चाहिए, छोटा छोटा काम करना चाहिए, थोड़ा सा बाबा साहब बता दे, थोड़ा सा बुद्ध बता देंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। साथियों, ऐसा नहीं है, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म अगर सिर्फ इतना ही होता कि आप सिर्फ धम्म को स्वीकार करो, अपने जीवन में बदलाव करो, इतना ही होता, सामाजिक परिवर्तन का नहीं होता, तो हमारे भिक्षुओं की कत्लेआम नहीं होते। तो ऐसे भिक्षुओं, अगर वो भिक्षु अगर इतना सा काम कर रहे थे कि लोगों के अंदर सिर्फ धार्मिक चेतना का निर्माण कर रहे थे, तो भिक्षुओं का कत्लेआम क्यों होता? सिर्फ धार्मिक चेतना तो निर्माण कर रहे थे, सोच सिर्फ यही तो बना रहे थे कि भैया ये धर्म सही नहीं है, ये धर्म सही है, इतना ही अगर वो करते तो ये जो कारवा है ये इतना नहीं बदला। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध का भिक्षु संघ
आपने भिक्षुओं को खत्म करने के लिए पैसे दिए, जिसे आज की आम भाषा में सुपारी कहते हैं, वैसे पुष्यमित्र सुंग के समय में उन्होंने पैसे दिए, सोने की मुहर दिए और कहा भिक्षुओं का सर लेकर आ। जो जितने ज्यादा भिक्षुओं का सर लेकर आएगा उसको उतनी ज्यादा सोने की मुहर दी जाएगी। साथियों, इसका मतलब हमारा भिक्षु संघ समाज के अंदर शासक बनने की सोच को निर्माण कर रहे थे और उसका उदाहरण हमको सम्राट अशोक के शासन काल में उसका तमाम चित्र हमको समझ में आता है। इतिहास के अंदर अगर कोई राजा बना जिसे बौद्ध राजा कहा जाता है, जिसे बौद्ध सम्राट कहा जाता है, जिसने तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को पूरे देश में ही नहीं देशों के बाहर पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, वे सम्राट अशोक उनका नाम लिया जाता है। राजा निर्माण हुआ, ऐसा राजा निर्माण हुआ जिसने समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा की व्यवस्था को निर्माण किया, समाज के अंदर भाईचारा बनाने का काम किया, समाज के अंदर समाज के लोगों को अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने देश के अंदर नए एजुकेशन सिस्टम को, नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय बनाई, बड़े 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 बुद्ध विहार बनाए और इस देश को उस चरम सीमा पर, उस शिखर पर लेकर गए जहाँ पर देश पे दुनिया का कोई भी देश नहीं था। उस समय हमें हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी चरम सीमा पर लेकर गए जहाँ पर आज अमेरिका है, तब भारत हुआ करता था। सबसे बड़े शिखर पर भारत को लेकर जाने का काम सम्राट अशोक ने किया और सम्राट अशोक हमारे भिक्षु संघ की उत्पत्ति है, तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन की सफलता है और वहां से एक राजा, ताकतवर राजा निर्माण हुआ जिसने देश को नया एजुकेशन सिस्टम, पीएमपी जिसे हम जिसे आप इधर क्या कहते हो, उपकेंद्र कहते हैं, अस्पताल जो कहते हैं, ये अस्पतालों का भी संकल्पना किसी की थी, सम्राट अशोक की थी। बुद्ध विहारों की संकल्पना 84,000 बुद्ध विहार बनाए, कंसेप्ट किसकी थी, सम्राट अशोक की थी। यही कंसेप्ट उसके बाद जानवरों के लिए दवाखाने, अस्पतालों की व्यवस्था करने का काम सम्राट अशोक की संकल्पना, रोडों के दोनों बाजू में पेड़ लगाने की कंसेप्ट किसकी है, सम्राट अशोक की कंसेप्ट है। साथियों, इस देश के अंदर पहले डॉक्टर बना करते थे, ये कंसेप्ट और ये तमाम चीजों का व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया, सम्राट अशोक ने किया। इससे हमें समझ में आता है बाबा साहब का कहा हुआ कथन गलत नहीं था, बाबा साहब का कहा हुआ कथन गलत नहीं था। बुद्ध ने जो काम किया उससे धार्मिक बदलाव तो हुआ, सामाजिक भी बदलाव हुआ, आर्थिक भी बदलाव हुआ और राजनीतिक भी बदलाव हुआ। और ये तमाम बातों को हम अगर वर्तमान में देखते हैं तो साथियों हमें लगता है हमारे महाराष्ट्र में तो खास है कि नहीं 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 धर्म का काम है, ऐसे कहते हैं, धार्मिक काम है, धर्म का काम है, इस पे अन्य कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, समाज को अपने जागृत नहीं करना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर धार्मिक की बातें होनी चाहिए। लेकिन साथियों अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बाबा साहब के कथन को भी हम झुकलाते हैं और तथागत बुद्ध के आंदोलन को हम नैरो करते हैं, मतलब कि सीमित कर लेते हैं एक छोटे से विचार के अंदर, तो बाबा साहब का विचार और बुद्ध का विचार सीमित नहीं है, ये सर्वसर्वी के लिए है, ये सर्वसमावेशक है। तो इससे अगर शासक निर्माण होता है तो सबसे ज्यादा लोगों की संख्या वाले जो लोग हैं वे सुखी होते हैं, ज्यादा संख्या वाले लोग उनका हित होता है और उनको तमाम जो समस्या है उनकी समस्या को सुलझते हैं। साथियों, देश में जब बाबा साहब संविधान दे रहे थे, इन संविधान देने के पीछे बहुजनों का हित और सर्व सभी लोगों का हित, ये उसके पीछे की मंशा थी। लेकिन इस देश के अंदर उसी मन व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने अपने विचारधारा को जिंदा रखा और संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र बनाया और वो षड्यंत्र आज इस चरम सीमा पर है कि साथियों हमारे लोगों की अब हत्याएं और हमारे लोगों का अपमान पूरे तालाबों पर तो होता ही है। अब अगर आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हो, वहां पर भी आपका अपमान होता है, कुएं पे अपमान होता है, ये तालाबों पे अपमान होता है, ये अपमान हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि भैया पानी नहीं भरने दे रहा है,
आंगन से जाने नहीं दे रहा है ना। ये तमाम बातें हम अपने सदियों से देख के आ रहे हैं, लेकिन अब हम नई वर्तमान व्यवस्था में बता दूं, हमारे इधर डॉक्टर तड़वी, क्या नाम है उसका, पायल, पायल तड़वी, डॉक्टर पायल तड़वी एमबीबीएस हो गया, अब एमडी कर रहे हैं, एमडी कर रहे थे जिस इंस्टीट्यूट में वो एमडी कर रहे थे साथियों, उस इंस्टीट्यूट में उसे आदिवासी 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 एससी एसटी ऐसा कह कर उनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई। जब भी वो कोई केस को हैंडल करते, जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो उन्हें कहते थे आदिवासी क्या कर लेगा, आदिवासी को कितना आ जाएगा, अगर इसको रिजर्वेशन नहीं होता तो डॉक्टर बनती क्या, रिजर्वेशन नहीं से आ रहे साथियों से रिजर्वेशन से ही जाते क्या डॉक्टर बनते क्या, कुछ चाहिए ना, रिजर्वेशन से डॉक्टर नहीं बनते, पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, मौका उनको रिजर्वेशन देता है। साथियों पायल तड़वी को मौत के घाट उतारने का काम सवर्ण महिलाओं ने किया है, इस देश की बात बता रही हूँ, आज से 15-20 दिन पहले की बात बता रही हूँ। उसके बाद रोहित प्रभुला आपके नजर के सामने है, रोहित प्रभुला की भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर उसका हुआ, उस कॉलेज के अंदर उसका मर्डर हुआ, उसको मरने के लिए उसे मरने के लिए छोड़ा जाता है, उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसने मौत को स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर या बड़ा पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना चाहिए, ये हो रहा है। हम अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन वो तमाम इंस्टीट्यूशन में जहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है वहाँ हमारा बच्चा जातिवाद से नहीं लड़ पा रहा है, वहाँ हमारा बच्चा वर्णवाद से नहीं लड़ पा रहा है, क्यों नहीं लड़ पा रहा है। साथ बाबा साहब ने कहा इतिहास पढ़ लो न तो इतिहास बन जाएगा, बाबा साहब ने कहा इतिहास को पढ़ लो इतिहास बन जाएगा। साथियों हमने हमारे बच्चों को हमारे महापुरुषों का इतिहास से प्रेरणा लेने वाली बात नहीं बताई, और इसलिए आज हमारे बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमें लगता है बड़े कॉलेज में जाएगा बड़ा आदमी बनेगा, बड़े कॉलेज में जाकर वहाँ का जो प्रोफेसर है वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं वहाँ का जो संस्था चालक होता है वे तमाम लोग जाति के आधार पर वर्णों के आधार पर कैटेगरी के आधार पर या आरक्षण के आधार पर हमारे बच्चों को जज करते हैं और हमारा बच्चा उस उनके साथ संघर्ष करने में असफल होते जाए, और ये कमी है हमारे जैसे लोगों की। हमारे जैसे लोगों ने काम अगर हमारे बाप दादाओं से शुरू हो जाता भले शाहू बाबा साहब का कारों का काम करना साथियों आज हमारे बच्चों की इंस्टीट्यूशन हत्याएं नहीं होती, ये संस्थानिक हत्याएं हमारे बच्चों की नहीं होती जो आज भुगतते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये तो बड़ी बड़ी लेवल की बात हो गई, हमारे अपने लेवल की बात बता रही हूँ जहाँ जिला परिषदों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन जिला परिषद स्कूलों को टाटा बिरला को देने का काम इस देश की सरकारें खुलेआम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन खरीद दिए हैं। साथियों हमारे लोगों को लगता है हम पंडित जाएंगे तो मास्टर बन जाएंगे, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और हमारे आदर्श भी जो है वो भी इंजीनियर है, हमको लगा कि हम पंडित जाएंगे इंजीनियर बन जाएंगे मास्टर बन जाएंगे, फिर हमको लगा कुछ नहीं तो हम रेलवे में नौकरी कर लेंगे, हम कुछ नहीं तो हम कॉलेजों में नौकरी कर लेंगे। कॉलेजों का आलम ऐसा है जो कॉलेज होती है प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है प्राइवेट स्कूल है, जो कांग्रेस बीजेपी के लोग चुन कर जाते हैं वो अपनी संस्थाएं बनाते हैं और उन संस्थाओं के द्वारा वो अपनी संस्थाएं चलाते हैं कॉलेज चलाते हैं, और ऐसे संस्थानों में जब हमारे जैसे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग जब नौकरी करने जाते हैं साथियों उनकी लैंग्वेज उनकी जो भाषा होती है वो भाषा बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं होती, बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं होती, वो उस औहदे पर तो आ जाते हैं लेकिन जब हमसे बर्ताव करते हैं जब उनसे बात करते हैं बिल्कुल भी साहित्यिक भाषा में बात नहीं करते। हमारे गोंदिया में गुजराती स्कूल है और वो गुजराती माइनॉरिटी के लोगों के स्कूल है, इस साल वहाँ पर 10वीं का जो छात्र है राहुल का उसका सर्वे वो वहाँ पर अव्वल आया, 94% से अधिक उसने मार्क लिए, वहाँ के टीचर को इस बात से बिल्कुल फक्र नहीं है, इस बात का फक्र नहीं है कि राहुल का बेटा पहला नंबर आया 94.95% ले लिया, उन्हें इस बात की चिंता है इसने कैसे क्या ले लिया,
उन्हें इस बात की चिंता होगी इसने कल्चर क्या ले लिया, इसे लेना नहीं चाहिए था। साथियों ये हालत है बड़े बड़े स्कूलों की, वहां जो टीचर काम करते हैं, कल ही मेरी उनसे बात हुई, वो इतना परेशान है, कह रही थी मुझे तो लगता है नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अगर मेरे रोजी रोटी का सवाल नहीं होता तो मैं कब की छोड़ चुकी होती, अगर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगी। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया, इतनी क्या तकलीफ है, आप तो फुल पेमेंट में हो, आपको 50-60 हजार पगार मिल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी जा रही है। बोले हमें आपकी तरह नॉलेज नहीं है, हमें आपकी तरह जानकारी नहीं है, हम आपकी तरह जातिवाद को लेकर उनके साथ बात नहीं कर सकते, जातिवाद पर उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें उनकी बातें चुप चुप कर सुननी पड़ती है। नीचे जाति के नीचे अब हो जाए शर्म, देखो नीचे जाति के शब्द यूज कर रहा है, वापर रहा है, उसका उपयोग हमारे पढ़े लिखे टीचर के लिए हो रहा है, नीचे जाति के टीचर है ये क्या पढ़ा लेगी, कितना पढ़ा लेगी, और नीचे जाति का लड़का मेरिट आ रहा है, और स्कूल के स्कूल में वातावरण कैसा है, नीचे जाति का। तब ये हाल हमारा है, इस देश में बहुत समाज के लोगों का है, और ये तमाम जो हालात निर्माण हो रहे हैं, ये तमाम जो वर्तमान परिस्थितियां हम बता रहे हैं, ये वर्तमान परिस्थितियों का माहौल दिल्ली से आ रहा है, ये हमारे गली कूचों से नहीं आ रहा है, ये दिल्ली से आ रहा है। चाहे ऊना का कार्ड ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर का कार्ड ले लो, चाहे इधर हैदराबाद का कार्ड ले लो, चाहे रोहित बोपरा के मौत का कारण ले लो, ये तमाम हवाएं 4-5 सालों से हमें मिल रहा है। उसके बाद आपको बता दो बेरोजगारी का आलम कैसा है, बेरोजगारी का आलम कैसा है, पढ़ने लिखने वाले लोगों को लगता था बांग्लादेश रेलवे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसमें करोड़ों लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, और इस करोड़ों लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, इससे समाज भी सशक्त बनता है, परिवार भी सशक्त बनता है, इसमें SC ST OBC के करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, समझ लो तो कर रहे हैं, तो SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे डिपार्टमेंट में कर रहे थे, आज रेलवे डिपार्टमेंट का क्या होगा, निजीकरण कर रहे हैं, पूरा रेलवे स्टेशन के रेलवे स्टेशन बेच दिए, और जितने भी रेलवे के जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे, टीसी से लेकर कैंटीन वाला तक सबका निजीकरण हो चुका है, और निजीकरण को निजीकरण हुआ तो हमें लगता है कि जो सरकार है ये बड़ी खराब है, जिसे BJP की गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे NDA की गवर्नमेंट कहते हैं, ये बड़ी खराब है, ये बड़ी संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, तो इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो साथ ही इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना चाहूंगी, निजीकरण का शैतान कांग्रेस ने इस देश के अंदर लाया, कांग्रेस ने इस देश के अंदर निजीकरण को लाया, अब BJP उस निजीकरण के शैतान को खाना खिलाने का और मोटा बनाने का काम कर रही है, दूसरा कुछ ना कुछ नहीं, इससे क्या होगा, हमारा क्या फायदा, हमारा क्या नुकसान, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर निजीकरण इस देश के अंदर जितने तेजी से आ रहा है, उतने तेजी से हमारा समाज पीछे जा रहा है, उतने ही तेजी से पीछे जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, उससे ज्यादा बजट खाने का बन रहा है, सरकार बजट दे रही है, पैसा दे रही है स्कूलों को, लेकिन खाने के लिए ज्यादा दे रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए कम दे रही है, ये होगा प्राथमिक। अगर उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूलों के बाद हमारे लिए कोई भी अच्छी व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में निजीकरण 100% होने वाला है, अब ये निजीकरण चल रहा है, और इस निजीकरण के चलते हम लोगों को लगेगा संविधान है, संविधान खत्म नहीं हो सकता, आरक्षण खत्म होगा, संविधान भी खत्म होगा, हमको भुला भुला कर थोड़े बताएंगे कि आपका संविधान हम भैया खत्म कर रहे हैं, आपका संविधान हम खत्म कर रहे हैं, आपका आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, ऐसे बोलकर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इस देश के SC ST OBC जैसे 2 अप्रैल को सड़कों पर निकला, उससे 10 गुना ज्यादा सड़कों पर निकलेगा, और इस सरकार के विरोध में आंदोलन करेगा, विद्रोह करेगा, और इसीलिए ये कांग्रेस का पता था, तो कांग्रेस ने निजीकरण का शैतान लाया, और निजीकरण के शैतान से क्या हुआ, आरक्षण अपने आप खत्म हुआ है, अब इस देश के अंदर हमारे लोग नजर आते हैं, हमको कभी कांग्रेस को ऑप्शन हम देखते हैं कि कांग्रेस संविधान
संविधान बचाएंगे, क्योंकि संविधान में सेंध लगाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया था। तो कांग्रेस कैसे करेगी? सदर देश के अंदर एक ही नेता थी जिसने जब निजीकरण की कंसेप्ट देश के अंदर आया तो उस नेता ने सबसे पहले संसद में आवाज उठाई, निजीकरण तब ही करना जब निजीकरण में आरक्षण की सुविधा दे सको। वो बहन मायावती संसद में कह रही है कि निजीकरण दो, लेकिन निजीकरण में पहले आरक्षण की व्यवस्था कर दो। भैया अडानी की कंपनी आ गई, अडानी की कंपनी आ गई, किसी ने भी कंपनी आज देश में अगर आती है तो वहां पर अगर नौकरी करने का मौका आएगा तो हमारे एससी एसटी ओबीसी को भी नौकरी लगनी चाहिए। उसके लिए निजीकरण में आप आरक्षण दे दो। ये बात एक ही नेता देश के अंदर कहते, बाकी के लोग नहीं कहते। लेकिन हमारा आवंटन और हमारा आकलन कितना कमजोर है, जब बीजेपी हमको झूठा मारती है तो हमारा आवंटन हम नजरें किसके तरफ देखते हैं? हम किसे निहार रहे हैं? तो हम कांग्रेस को निहार रहे हैं। साथियों, हमारी जो सोच है इस सोच को हमें अब पैदा करना पड़ेगा। हमारी सोच को पैदा करना पड़ेगा और अपने नेता को हमको पहचानना पड़ेगा। जिस गौतम बुद्ध को मान सम्मान देने का काम सम्राट अशोक ने किया, उस गौतम बुद्ध को लोग भूल चुके हैं। उस गौतम बुद्ध को जिंदा करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और उसी गौतम बुद्ध को जिन्होंने भारत में जन्म लिया उनके नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, उनके नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय 511 एकड़ में, जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी अगर इतनी बड़ी होगी, विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। साथियों, ये मान सम्मान देने का काम सम्राट अशोक की तरह हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध के माता जी को मान सम्मान देने का काम बहन जी ने किया। गौतम बुद्ध के तमाम जीवन संघर्षों को लोगों तक पहुंचाने का काम, इतिहास को नया करके उजागर करने का काम बहन जी ने किया। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझ सके, आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। हम और ये हमारे पति है, हमारे हस्बैंड है, हमारे मिस्टर हमारे साथ घूमते हैं, हमको हम पूछते हैं दोनों क्यों घूमते हो, क्या जरूरत है, कोई भी एक जन घूम लेगा, ये तो भुवनेश्वर बाबा साहब का काम है। एक जन ने जाना चाहिए, दूसरे ने घर में रहना चाहिए, घर में कौन रहना चाहिए? बीवी ने रहना चाहिए, यही बात है। बीवी ने घर में रहना चाहिए, पति ने घूमना चाहिए, ऐसा हमको कहते हैं। साथ ही हम बड़े विनम्रता से उन्हें जवाब देते हैं। हमारा भी जब कभी बच्चा आएगा पूछेगा, मम्मी देश के अंदर पुणे चौक बाबा साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, आप इंजीनियर बन गए, पापा बैंक में लग गए, अब क्या हुआ? अब हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? हम फुकट में क्यों नहीं पढ़ पा रहे? हमारे माँ बाप ने हमको बीड़ी बना बना कर इंजीनियर बनाया, क्योंकि संविधान उस समय ताकतवर था। अब नहीं बना पाएंगे, अब नहीं बना पा रहा है, क्योंकि संविधान को कमजोर करने का काम, संविधान को सेंध लगाने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी जैसे अन्य संगठनों ने चालू कर दिया, और बहुत ताकतवर संगठनों ने चालू कर दिया। और इसीलिए अब हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हम मास्टर बनने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये साथियों, इससे ही हमें समझ में आना चाहिए इस देश का शासक वर्ग कितना षड्यंत्रकारी है, कितना खतरनाक है, कितना षड्यंत्रकारी है। साथियों, हमारा बच्चा जब हमको पूछेगा, महात्मा फुले ने, सावित्री फुले ने अपनी जिंदगी में जान की बाजी लगा दी, मरते दम तक हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के लिए आंदोलन चलाया, कहा चला गया, क्या जवाब देंगे? पता नहीं, हमें नहीं पता। जो आंदोलन उन्होंने चलाया वो आंदोलन खत्म हो गया। फिर मेरा बच्चा पूछेगा, मम्मी उस आंदोलन को तूने क्यों नहीं चलाया? मैं कहूंगी, बेटा मैं घर संभाल रही, मेरे को तो कपड़े धोने थे, मेरे को पत्ते धोने थे, मेरे को झाड़ू लगाना था, मेरे को बर्तन धोना था। ऐसा जवाब नहीं, क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को? बच्चा पूछेगा, बाबा साहब ने देश के अंदर संविधान दिया, संविधान में तो सब
बचा तो सकती थी, लेकिन मेरे घर में बड़े काम थे। मेरे पास साड़ी का कलर ब्लाउज से मैच करने में एक टाइम नहीं मिला, मोबाइल में व्हाट्सएप खेलने का टाइम नहीं मिला, तो मैं कैसे संविधान बचा लेती। साथियों, मेरा बेटा जिस दिन मेरी बातें सुनेगा, भले शाहू बाबा साहब और बुद्ध को घर के अंदर रखेगा, मेरे को घर के बाहर निकालेगा, बोलेगा हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, जिंदगी की बाजी लगा दी, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बीवी के बारे में नहीं सोचा, और हमारे तुम्हारे लिए जो करके गए थे तुमने इतना तो बचा के रखा, थोड़ा सा तो बचा के रखना था। साथियों, चलते चलते उम्मीद है हमको इतना सा बचा के रखना है। हम अगर शासक नहीं बन पाए, लड़ते लड़ते मैदान में मर जाएंगे, हमारे बच्चे को फक्र होगा, कहेगा हमारे माँ बाप लड़ते लड़ते मैदान में मरे, हम जीत के दिखाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे। पर बचत का बात इतनी है, आंदोलन को जिंदा तो रखो, आंदोलन में काम तो करो। साथियों, अगर हम आंदोलन में काम करते हैं, हमारे बच्चे सशक्त होते हैं, संतान को क्या उनकी हत्या नहीं हो सकती। साथियों, हम गवाह हैं, जब हम संतान को में पढ़ते थे, हम जब कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे हमारे बाप हर बात का जवाब था, चाहे आरक्षण की बात करे, चाहे जाति की बात करे, हर बात का जवाब हमारे पास था, और इसलिए हम बनकर पैदा हुए, वापस आ गए। लेकिन आज अगर हमारे बच्चों को हमने नहीं बताया, इस देश की व्यवस्था ऐसी है भैया, और इस देश में ऐसी भी व्यवस्था थी, बुढ़े में हम सुचाल हुई थी, उस व्यवस्था से संघर्ष किया जा सकता है, उस व्यवस्था से टकराया जा सकता है, वो व्यवस्था बड़ी अच्छी है, वो व्यवस्था सभी के लिए है, उस व्यवस्था से बहुजनों का कल्याण हो जाता है, अगर हमने उसे नहीं बताया। साथियों, हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतारना पड़ेगा, और वो अगर मौत के घाट नहीं उतरे तो हमारे तुम्हारे ऊपर वो थूकेगा जरूर, कहेगा हमारे लिए कुछ बचा के नहीं रखा। साथियों, आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, आने वाला जो काल है वो भी बहुत खतरनाक है, हमारा तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए कि आने वाले समय में इस देश के अंदर संविधान की कैसी रक्षा हो सकती है। मैंने बताया कांग्रेस बीजेपी से अगर आप इधर उधर से उम्मीद करते हो, तो साथियों एक राजा राम है, एक सीताराम है, कांचीराम में एक हनुमान, एक राजा राम है, एक सीताराम है, वो चाहता है कि वहां के वही वो क्या करे, कीर्तन करे, भजन करे, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, और हमको भी आओगी इसी चक्कर में, इसी कीर्तन भजन के चक्कर में रह गए, तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे, आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा, हर घर में कांची